हाय एवरीवन, सर्दियों के मौसम में आने वाली ताज़ी ताज़ी गाजर और मटर और आलू से बनी गाजर की सब्जी का स्वाद ही निराला होता है, तो क्यों ना इसका शरारती ठंड में आलू मटर गाजर की सब्जी बनाई जाए और गर्मा गर्म पराठे चपाती या पूरियों के साथ इसके अनोखे जायके का लुत्फ उठाया जाए। तो आइए शुरू करते हैं गाजर की सब्जी को बनाना। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कम समय में बन जाती है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर एक कढ़ाई में पानी, एक कप पानी डाल लिया है एक पैन में। और इसमें लगभग 200 ग्राम आलू डालना है। ये एक बड़ा आलू है जो लगभग 200 ग्राम है। पैन में बॉईल आ गया है, तो ये देखिए उबाल आ गया है पानी में। तो अब हम इसमें सबसे पहले आलू डालेंगे। फिर गाजर डाल देंगे। गाजर यहाँ 500 ग्राम गाजर है और ये 2 कप के लगभग मटर के दाने हैं। नमक स्वाद अनुसार। और फिर हम इसको ढक के पकाएंगे। सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर हरी मिर्च का पेस्ट बना लेंगे। इसके लिए टमाटर को छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और मिक्सर के जार में मिर्च के साथ पीस लेंगे। तो यहाँ पर हम सब्जी को ढक के पकाते हैं। पाँच मिनट के बाद सब्जी को चेक कर लीजिए कि पानी दिख रहा है या अच्छे से पकी भी है या नहीं। इसे फिर ढक के 5 मिनट तक और पका लीजिए। अभी भी सब्जी हमारी नरम ना हुई हो तो 3 से 4 मिनट को और पका लीजिए। सब्जी को पकने में कुल 14 मिनट लगते हैं, 14 या 15 मिनट लगते हैं। तो एक बार हम इसको चेक कर लेंगे। अभी सब्जी नहीं पकी है तो इसे हम 5 मिनट और पकाएंगे। एक बार और हमने इसको देख के चेक किया पर अभी ये हल्की पकी है, तो हमने 5 मिनट के लिए और पकाई है। तो अब देखिए सब्जी पक गई है। तो इसको 2 मिनट के लिए फिर हम ढक के रख देंगे। और अब यहाँ पर ये लगभग 90% तक पक गई है। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो प्लेट में इसको निकाल लिया सब्जी को। और वही पैन हम दोबारा कढ़ाई रखेंगे और उसमें उस सब्जी में तड़का मारेंगे। तड़का मारने के लिए हमने पैन में ऑयल डाल लिया है। ये लगभग 3 टेबल स्पून ऑयल है। अब इसमें जीरा डाल दिया। उसके बाद लहसुन अदरक हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया। यहाँ पर प्याज का इस्तेमाल नहीं किया है आज सब्जी में, तो इसलिए टमाटर डाल दो। टमाटरों को भून जाने तक अच्छे से पकाना है। फिर इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और देखिए टमाटर भुन गए हैं, इन्होंने तेल छोड़ दिया है कढ़ाई में। तो इस पॉइंट पर हम इसमें सब्जी डाल देंगे जो हमने सब्जी बॉइल की थी। अब हम उसको इसमें डाल देंगे। डाल के चलाते हुए इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। इस पॉइंट पे इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। अब कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे।
फिर हम इन सब चीजों को हम अच्छे से मिला देंगे और सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी आपको मेरी वीडियो तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको और जो भी मैं बनाऊं वो सबसे पहले मिलने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार।